गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, हाउ आर यू फ्रेंड्स। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छे और एक इम्पॉर्टेंट और हमारे लाइफस्टाइल से जुड़े हुए विषय के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम जो है मिल्क, दूध के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमें जो है हमारे डेली रूट डे टू डे लाइफ में दूध का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, हम सब सुबह जब उठते हैं तो हमें दूध ये अलग अलग तरीके से लगता है। कोई चाय बना कर पीता है, कोई कॉफ़ी बना कर पीता है, या कोई कुछ प्लेन दूध पीता है, या कोई दूध में कोई कुछ और जूस बना कर पीता है, या उसका मिल्क शेक बना कर पीते हैं, या अलग अलग तरीके से हम दूध पीते हैं। फ्रेंड्स, तो दूध ये दो तीन प्रकार के, तीन चार प्रकार के हमें मिलते हैं। वैसे तो मेनली जो है दूध दो ही प्रकार के हैं, एक है काउ मिल्क, दूसरा है बफेलो मिल्क, और तीसरा जो है गोट मिल्क जिसे हम कहते हैं। फ्रेंड्स, और पाउडर मिल्क मिलता है, कैमल मिल्क, अलग अलग प्रकार के मिल्क होते हैं। बट हम मेनली यहाँ पे जो है तीन प्रकार के मिल्क के दूध के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सब में इम्पॉर्टेंट, सब में पहले जो है काउ मिल्क। और ये जो है दोस्तों, आई रिकमेंड, मेरा जो सजेशन है, आप सभी जो है अपने घरों में जो है काऊ मिल्क, गाय का दूध पीना स्टार्ट करें फ्रेंड्स। क्योंकि काऊ मिल्क आजकल दोस्तों आपने देखा होगा कि टीवी पर एक ऐड आता है कि वह कोई भी चीज़ है, लाइट है, अमुक है, पेस्ट है, ये है, वो है, उसका जो है टीवी पर ऐड आता है और डॉक्टर उसको रिकमेंड करते रहते हैं। वैसे ही कुछ संस्था, कुछ एसोसिएशन भी उसको रिकमेंड करते रहते हैं। IMA नाम की एक संस्था है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो उसका जो है रिकमेंडेशन लोग जो है टीवी पर बताते रहते हैं। तो दोस्तों, ठीक है, वो सब, मैं आपको आज एक चीज़ रिकमेंड करने वाला हूँ, वो है गाय का दूध। दोस्तों, गाय का दूध जो है एकदम बेस्ट एंड बेस्ट दूध है फ्रेंड्स। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें जो है फैट जो है वो कम होता है फ्रेंड्स, एज़ कम्पेयर टू बफेलो मिल्क जो अभी आप ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो गाय की मिल्क में फैट भी कम होता है, चर्बी कम होती है, और ये जो है पीने के लिए भी बहुत ही हल्का होता है फ्रेंड्स। नंबर वन, इससे जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है गाय के मिल्क से, काऊ मिल्क से। और जो है ये जो है हम पास्चराइज प्रकार का वापरना चाहिए, जो कि पास्चराइज मतलब जो जिसको पूरा जो है फैट काट लिया जाता है, वो मिल्क हमने वापरना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फुल बफेलो मिल्क की। बफेलो मिल्क जो है इसका आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है, और काऊ मिल्क का भी आयुर्वेद में वर्णन है, और गोट मिल्क का भी आयुर्वेद में वर्णन है। तो बफेलो मिल्क को जो है आयुर्वेद में ज़्यादा सजेस्ट नहीं किया गया है। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसमें जो है 7 प्रकार के फैट होते हैं फ्रेंड्स। और आज के दौर में अगर आप देखेंगे, जिन लोगों को भी BP, शुगर, दमा और थायराइड हो रहा है, वो अपने घरों में जो है भैंस का दूध वापरते हैं, और इनको ये तकलीफ होती है, पर इनको ये समझ में नहीं आता फ्रेंड्स। तो आप जो है बफेलो मिल्क को अवॉइड कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो है फैट है, और ये पीने से नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप इसको पिए हैं तो आपको लगे समझो सुस्ती आती है फ्रेंड्स, या गूंगी आती है, आप इसको आजमा के देखिए। तो इसलिए जो है ये बफेलो मिल्क का आपने अवॉइड कर लेना चाहिए, उसके बदले में काऊ मिल्क आपने वापरना चाहिए। अब ये बफेलो मिल्क, काऊ मिल्क या गोट मिल्क, बकरी का दूध जिसे हम कहते हैं, उसमें सब में बेस्ट दूध कौन सा है? तो सब में बेस्ट दूध आयुर्वेद के हिसाब से जो है ये गोट का दूध, बकरी का दूध है फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो है षड रसात्मक होता है, इसमें सभी प्रकार के 6 रस होते हैं, बट ये हमें पीने के लिए अच्छा नहीं लगता। तो हमारा जो है सेकंड बेस्ट प्रेफरेंस और नंबर वन प्रेफरेंस जो है काऊ मिल्क ही है फ्रेंड्स। बफेलो मिल्क को आप लोग अवॉइड करें। मैं जानता हूँ कि आज हमारे देश में जो है 50% से ज़्यादा लोग जो है भैंस का दूध ही पीने में पसंद करते हैं, क्योंकि वो टेस्टी भी लगता है, और जो है उसमें फैट भी होता है, और लोग उसको ऐसा बताते हैं कि इससे जो है बॉडी बनती है, अमुक है, तमुक है, बट हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। बफेलो मिल्क से जो है आपकी बॉडी नहीं बनेगी, बट आपका फैट बढ़ेगा, और उसकी वजह से जो है आपका जो है BP बढ़ेगा, शुगर भी होगा, अस्थमा भी होगा, और इसमें जो है उतने प्रकार का प्रोटीन्स भी हमें नहीं मिलता है जितना हमें काऊ मिल्क में से मिल सकता है, या गोट मिल्क में से मिल सकता है। तो आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स कि आज का जो सजेशन है वो है काऊ मिल्क। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आप जैसा देख रहे हैं पाउडर मिल्क, जैसा ये मिल्क मिलता है हमें, काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क, गोट मिल्क, सब पाउडर के फॉर्म में भी मिल्क मिलता है, बट पाउडर के फॉर्म में का जो मिल्क है वो ज़्यादा ना वहाँ पे
इसको कम ही कंडीशन में वापरा जाता है जहाँ पर दूध अवेलेबल नहीं हो सकता या नहीं मिल सकता, उस कंडीशन में हम जो है ये क्या बोलते हैं उसको पाउडर मिल्क वापरते हैं फ्रेंड्स। बट मेरा सजेशन आपको है कि आप जो है काउ मिल्क वापरें। आप जो है अगर समझो घी भी वापर रहे हैं, जिसको हम घी जो बोलते हैं काउ का है बफेलो का है, तो घी भी जो है गाय का ही वापरना चाहिए फ्रेंड्स। और आयुर्वेद में भी उसी को प्राधान्य दिया गया है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गाय के दूध और घी में शफा है ऐसा बताया है फ्रेंड्स। तो ये जो है एक फ़ोटो देख रहे हैं, इसमें बताया है पाउडर ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ कैमल मिल्क, इसके बारे में हमने ज़्यादा नहीं सुना है बट ये भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये आज की जानकारी जो है काउ मिल्क के बारे में, आप जो है इसको अपने जहन में बैठा ले फ्रेंड्स, अपने बच्चों को अपने घर में और हम खुद अगर ये काउ मिल्क को पीना चालू करेंगे तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। बफेलो मिल्क का मैं यहाँ पर आपको डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, बट आप अगर इसके बहुत ही दीवाने हैं तो पी सकते हैं, बट कम मात्रा में पिए। जिसको भी तकलीफ़ है बीपी शुगर उन्होंने अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।